ममिता मेहर हत्याकांड मुख्य अभियुक्त गोविंद साहूर मृत्यु पर घटना अभी नुआ मोड़ नहीं नजर पकाइबा ममिता हत्याकांड पूरा कहानी उपरे कौन रही 2021 अक्टोबर 8 ममिता को डाकी गोविंद जरूरी कागजपत्र धरी आसिबा को कहिथिले गोविंद मोहाली सनसाइन स्कूल मालिक गोविंद साहू से ही स्कूल अध्यक्षा थिले ममिता मेहर 12 तारीख में ममिता निखोज नहीं मामला रुजु होता सेपटे एतला मध्य देइथिले ममितांक परिवार लोके एतला आधार रे पुलिस अधिक तदंत करथुवा जणा पडिछि। ममिता अपहरण पछरे गोविंदंकु संदेह करा जाइथिला जहां संदेह परिशेष रे सत्तरे परिणत होइथिला। 14 तारिख रे गोविंदंकु उठाई नेथिला पुलिस तबे गोविंदंकु उठाई नेबा परे गोविंद सेठारु भाग पळै जाइथिले। 17 तारिख जाय टिटलागढ़ थाना रे थिले गोविंद 18 तारिख सकाळु थाना रु फेरार होइ जाइथिले गोविंद साहू। 2021 अक्टोबर 19 रे गोविंद गिरफ होइथिला मुंडपदरे भौणी घरे लुचि रहितवा बेले गिरफ होइथिला अभियुक्त गोविंद साहू। ममिता को हत्या करथिला गोविंद ममिता शब को गात खोली निया लगाई पोड़ी देथिला जहां सूचना आसी रही छे। फोन को भांगी जलंता नियारे मध्य पकाई देथिबार सूचना रही पकाई देथिबार नजर को आसीथिला। तबे अक्टोबर 19 रे गलित मृतदेह उद्धार करा जाइथिला ममितांकर माटी तलु सुना चेन और पाउंजी उद्धार होइथिला। ममितांक पाउंजी चेन देखि चिन्ही थिले ममितांक परिवार लोके। अठर तारीख सकाळु थानारु फेरार हो जाइथिले गोविंद साहू। वर्तमान 2021 अक्टोबर 19 रे गोविंद गिरफ होइथिला। ममितांक शब को गात खोली निया लगाई पोड़ी देइथिला कुख्यात अभियुक्त गोविंद साहू। अक्टोबर 19 रे गलित मृतदेह उद्धार करा जाइथिला मृत ममितांकर। आज कोर्ट में हाजर होगा पूर्व गोविंदंकर मृत्यु होइछि जहां एक बड़ प्रश्न सृष्टि करिछि। ममिता हत्यार घटनावली वर्तमान आपण देखुछन्ते आम सहित। मोहाली सनसाइन स्कूल मालिक होउछन्ति गोविंद साहू। उक्त मोहाली सनसाइन स्कूल अध्यक्षा भावे कार्य करुथिले ममिता मेहर। 2021 अक्टोबर 8 रे ममिता को डाकी गोविंद कौनसी एक कारण डाकी 12 तारीख में ममिता निखोज होते जहाँकि मामला रुजु होता स्थानीय थाना। 14 तारीख में गोविंद को उठाई नहीं पुलिस ममिता निखोज मामलें गोविंद को उठाई नहीं 18 तारीख सकाळु थाना फेरार हो जाते गोविंद किभली सफर है ता प्रश्न घर। 2021 अक्टोबर 19 रे गोविंद गिरफ होते ममिता शब को गात खोली निया लगाई पोती देथिला अभियुक्त गोविंद साहू। अक्टोबर 19 रे गलित मृतदेह उद्धार करा जाइथिला पुलिस द्वारा एक स्कूल पड़ियारू जहाँकि गोविंद ठेकादार करुथिले सेठारे। आज कोर्ट में हाजर होगा पूर्व गोविंदंकर संदेहजनक भाव में मृत्यु होइछे। ममिता हत्यार घटनावली संपूर्ण वर्तमान आपण माने देखुछन्ति। मोहाली सनसाइन स्कूल मालिक होउछन्ति अभियुक्त गोविंद साहू जे कि आज आत्महत्या करिछन्ति। से स्कूल अध्यक्षा थिले ममिता मेहर। 2021 अक्टोबर 8 रे ममिता को डाकी थिले गोविंद। 12 तारीख में ममिता निखोज मामला रुजु होता स्थानीय थाना। ममिता परिवार लोके थाना रे रुजु करिथिले। तबे बाबद्रे तमाम अपडेट पे आम सहित लाइव जोड़ी होती आम बलांगीर प्रतिनिधि जसकेतन रणा। आम प्रतिनिधि जसकेतन रणा जोड़ी होती आम सहित लाइव। तबे जसकेतन जानिबा को चाहिबी वर्तमान आज गोविंद साहू रो आत्महत्या घटना सारा ओडिसा रे चहल पकाई कौन सूचना रही पाखे बाबद्रे देखु रश्मिरंजन जहाँकि मोहाली कॉलेज जो कि ममिता मेहर हत्या ममिता मेहर हत्या घटना के सारा ओडिसा रे जहाँ चर्चा चली आउ ये ममिता मेहर के गोटे षड्यंत्र गोटे गोविंद साहू जहाँ की हत्या करते हत्या करके पोती थे चर्चा गोटे बलांगीर जिला नुह सारा ओडिसा रे जहाँ गोटे चर्चार विषय पलटी आम मोहाली कॉलेज मोहाली कॉलेज सामने पहुंची मोहाली मोहाली कॉलेज सामने पहुंची छु ये जहाँ की गोटे सारा बलांगीर जहाँ चर्चा होता गोटे सब्जेक्ट रु 80 जन कैदी रहा किंतु केमती कोटी ना कोटी भूल है कि पुलिस प्रशासन कि जेल कर्मचारी कोटी ना भूल है कि स्वतंत्र कैमरा लगे कथा कैमरा भी लगी किंतु कैमरा रे केमती भूल है कौन है देखा कथा किंतु जो गोविंद साहू जो ममिता मेहर हत्याकांड को सब जेल कंटा मांझी सब जेल
गिरफ होते सब्जे थे किसी दिन रिमाइंड रे भी गोविंद साहू और ये गोविंद साहू रहा हत्याकांड नहीं जो कि सारा ओडिशा जहाँ की चर्चार विषय पलटिता आम ममिता मेहर सब लोक सहित जोजोग करूँ से लोक खुशी जेहतु खुशी जाहिर करते ममिता मेहर लोक जेहतु मो टुकिल ममिता मेहर को लेकिन हत्या करता लोक कहते कि आम जो गोविंद साहूर पर सहित जोजोग करूँ गोविंद साहूर पर जोजोग कला गोविंद साहूर पर हत्या देखुं ये गोटे षड्यंत्र जहाँ कि गोविंद साहू को हत्या कर परिवार लोके जाके अभियोग किंतु ये गोटे कोठी ना कोठी गोटे प्रशासन कथा कह भी गोटे जेल जे भी जाती सुरक्षित भाव में रुहती किंतु केमती गोविंद साहू एते कैदी थाई कि एते जेल कर्मचारी थाई कि एते पुलिस प्रशासन थाई कि केमती हत्या है आत्महत्या कर गोविंद साहू तार गोटे बड़ प्रश्नबाजी सृष्टि आम जो महालिंग कलेज महालिंग सामने अच्छू ये कलेज ममिता महार ममिता मेहर जहाँ कि प्रिंसिपाल थिले से प्रिंसिपाल को गोटे कौटी ना कौटी गोटे केमती डिस्प्यूट होता डिस्प्यूट होगा पर षड्यंत्र कर हत्या कर ममिता मेहर गोविंद साहू और जो पुलिस गिरफ करोर्ट चलाण कर गोविंद साहू को किंतु रश्मि निहाति भाव में जसकेतन आपत कहते जेल रे 70-80 लोक रुहती 70-80 लोक रुहती सेठे कड़ा सुरक्षा तेज एसबू कड़ा सुरक्षा बल और जेल रे अत्यधिक एत संख्यार लोक थी गोविंद साहू सफल होती आत्महत्या करें यह जेल कर्तृपक्ष चरम अवहेला सूचाऊन कि निहाती भाव में रश्मि जहाँकि गोटे जेल कर्मचारी जेल रे भी जहाँकि सीसीटीवी फुटेज लगी केमती हत्या ना आत्महत्या कला गोटे बड़ प्रश्नवाजी सृष्टि परिवार लोके ये कहते ये गोटे षड्यंत्र में हत्या कर परिवार लोके गोविंद साहू को हत्या कर परिवार लोके अभियोग करु जेल रे एते कैदी अच्छा 70-80 कैदी जेहतु अच्छा जेल कर्मचारी अच्छा पुलिस प्रशासन अच्छा केमती से गोटे गामुचार से हत्या कला ये गोटे बड़ प्रश्नवाजी सृष्टि बुद्धिजीवी महल में गोटे आईनजीवी जो लोग कहते आईनजीवी मैंने कहते गोटे हत्या कर किए बोल चाप पकाई से हत्या हत्या से निजे हत्या कर बुद्धिजीवी कहते किंतु रश्मि रंजन ये गोटे जहाँ कि सारा ओडिशा रे ममिता मेहर हत्याकांड को लेकिन जो चर्चा जो पलटी आम जो कॉलेज परिसर में अच्छू ये महालिंग कॉलेज रो हॉस्टल परिसर कॉलेज परिसर में अच्छू ये कॉलेज रो ममिता मेहर हत्या घटना के लेकिन जहाँ सारा ओडिशा रे गोटे चर्चार विषय पलटी कि आज जो गोविंद साहू जो आत्महत्या कर ये गोटे भी चर्चार विषय पलटी सारा ओडिशा रे जे कि गोटे सारा ओडिशा रे जो हत्या ममिता मेहर को लेकिन गोटे हत्यार जो सारा ओडिशा रे गोटे चर्चा चलती आज भी जमी आत्महत्या कि हत्या कर स्पष्ट को लेकिन सारा ओडिशा रे गोटे चर्चा चली जेहतु गोविंद और ममिता मेहर हत्याकांड को लेकिन गोटे सारा ओडिशा रे चर्चा चली और जो ये ममिता मेहर कलेज के लेकिन गोटे रचना कौन गोटे मुख्यमंत्री कथा कह भी जो स्वास्थ्य मंत्री अनेक मंत्री ये कलेज को आसते कलेज को जहाँकि दिव्यशंकर ना भी एलिगेल आसाला कितनी अनेक नेता मंत्री ना जेहतु इश्यूटा उठी ए कलेज रू नहीं कलेज को लेकिन विभिन्न लोक विभिन्न कथा कही कितु आज जो गोविंद साहू जो हत्या कर जो अभियोग आनी ये गोटे किए ना किए चाप पकई गोविंद साहू आज हत्या करमें भी जो छाड़बुन परिवार लोक ये कथा कहते कि ममिता मेहर कथा कह भी पर लोक खुशी जाहिर कर ममिता मेहर परिवार लोके खुशी जाहिर कर मो झी को जमी दंड देता से निजे ही ताको भगवान घटे दंड दिया ममिता मेहर परिवार लोके ये अभियोग कर खुशी जाहिर करें महालिंग कलेज महालिंग गेट सामने पहुंची रश्मि रंजन निहाती भाव में जसकेतन आपत कहते वर्तमान ममिता मेहर परिवार प्रतिक्रिया आमको मिल सारी देवे आउ गोटे कथा कहवाक चाहिए किद पूर्व आम खबर प्रसारण करूँ सारा राज्य में खबर प्रसारण करें विभिन्न गणमाम कि साक्षी मान प्रभावित करने घटन गोविंद साहू दुई सहयोगी पुलिस गिरफ्त करता तेरे से घटना और आज गोविंद साहू आत्महत्या घटना किसी लिंक अच्छी कि पुलिस प्रशासन को जोजोग कर जेल प्रशासन जोजोग करमको प्रतिक्रिया कौन सूचना एपर्तंत जेहतु पुलिस प्रशासन तरफ कि जेल कर्मचारी कौन प्रशासन अधिकारी तरफ कौन सूचना देनी आज गोविंद साहू केमती हत्या करना आत्महत्या करना केमती एमती कौन सूचना कौन दि जाए से निजे से आत्महत्या करना किए से हत्या कर सूचना जेल कर्मचारी मिल पारे जेल कर्मचारी पुलिस प्रशासन कौन गणमाम प्रतिनिधि देनी किंतु गोटे ये जो ममिता मेहर हत्याकांड को लेकिन सारा ओडिशा रे जो चर्चार विषय पलटी गोटे साक्षी कथा कह साक्षी मैंने भी जो गोटे षड्यंत्र लगे जो करते कि ये जो गोविंद साहू ताक पर जो वकिल सहित भी आम जोजोग करूँ से जो वकिल भी एपर्तंत कौन मुह खोलू कि ये गोटे हत्या ना आत्महत्या कौन जना पड़ू नहीं कितु ये गोटे 70-80 कैदी जेहतु रोच जेल भितर गोटे सीसीटीवी कैमरा लगी जेल
ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯିଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେମିତି ହତ୍ୟା ସେ ହେଇଛି ନା ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯିଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକୁ ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେ କି ଏବେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡି ଅଛି ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲରେ ଡେଡ୍ବଡି ତାଙ୍କ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏବେ ଯୋଉ ପିଏମ୍ ହବ ପିଏମ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏ ବାବଦରେ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ଦିଆଯାଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଆସୁଛି ସଂସ୍କେତନ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଯାହାକି ଆମେ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଚାପ ପକା ହେଇଛି ଚାପ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ଆର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ନା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଚାପ ପକା ହେଇଛି ଚାପ ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବ ନା କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ସରକାରର କିଛି ବି ପୋଲ ଖୋଲି ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ଲୋକେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ତାର ଲାଗି ତାକୁ କିଏ ଚାପ ପକେଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ନିଜେ ନ କରିଥିଲେ ବି କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ତାକୁ ଏମିତି ଲୋକେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏ ହତ୍ୟା ମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲିକି ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଯାହାକି ମାହାଲିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସେ ନିଜେ କରିବ ସେ ତ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସୁଥିଲା ଗାଁରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ଇଏ ବୁଲୁଥିଲା କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେ କି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି କିଛି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନି ପ୍ରକୃତରେ ନା ସେମାନେ ସେ କୌଣସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜସ୍କେତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।